एक ओर भक्ति की रसधारा में डूबे श्रद्धालु तो दूसरी ओर सिंधी कला और संस्कृति से परिचय कराते लोकगीत नृत्य और भजन, साथ में स्वादिष्ट सिंधी व्यंजनों का स्वाद। कोठी मीना बाजार में जय झूलेलाल मेला समिति की ओर से आयोजित दो दिवसीय झूलेलाल मेला में सिंधी कला, संस्कृति और खान पान के कुछ ऐसे ही अनूठे सतरंगी रंग नजर आए। मेले में बाबा अमरनाथ की गुफा में भोलेनाथ बाबा जयकारे लगाते श्रद्धालु तो दूसरी ओर माँ दुर्गा के आगे शीश झुकाते भक्तजन थे सिंधी लेडीज लॉयर क्लब की सदस्य द्वारा। सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किए गए। एक ओर भक्ति की रसधारा में डूबे श्रद्धालु तो दूसरी ओर सिंधी कला और संस्कृति से परिचय कराते लोक गीत नृत्य और भजन, साथ में स्वादिष्ट सिंधी व्यंजनों का स्वाद। कोठी मीना बाजार में जय झूलेलाल मेला समिति की ओर से आयोजित दो दिवसीय झूलेलाल मेला में सिंधी कला, संस्कृति और खान पान के कुछ ऐसे ही अनूठे सतरंगी रंग नजर आए। मेले का उद्घाटन मुख्य अतिथि सोमनाथ धाम के जहाजनाथ योगी बाबा रंगुराम धाम दीदी भगवंती साजनानी ने सम्मिलित रूप से फीता काट कर किया। मेले के लिए सिंधी समाज के इस कुंभ के आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। मेले में बाबा अमरनाथ की गुफा में भोले बाबा के जयकारे लगाते श्रद्धालु तो दूसरी ओर माँ दुर्गा के आगे शीश झुकाते भक्तजन थे। वर्णावतार भगवान झूलेलाल के दरबार में भजनों पर झूमते गाते लोगों ने खान पान की स्टॉल पर सिंधी व्यंजनों झोला डबल, साई भाजी चावल, आलू की सब्जी, सेल फुलका, मालपुआ आदि का स्वाद लिया। सिंधी लेडीज रॉयल क्लब के सदस्यों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। दीदी साजवानी, दीदी भगवंती साजवानी द्वारा जो उद्घाटन कराया है उसकी इति श्री। झूलेलाल जयंती का मतलब झूलेलाल मेला। हमने झूलेलाल जी के साथ साथ इस दो दिवसीय मीना विहार पीठ में सभी देवी देवताओं को विराजमान किया है, और सब सभी देवी देवता जब विराजमान होते हैं तो निश्चित ही देश का कल्याण होता है, और देश के कल्याण के लिए हमने ये दो दिवसीय मेले का आयोजन, दूसरा मेला लगाया है, और पूरे देश में, आगरा देश और विश्व में इसकी गूंज है। और बच्चों की जो संस्कृति, बच्चे जो हमारा कल्चर, संगीत का कल्चर भूलते जा रहे थे, आज हमने यहाँ पे संतों की यहाँ पे गुफाएं बनाई हैं, संतों के मंदिर बनाए हैं, संतों के ऐतिहासिक स्थान बना के उनको जो ज्ञान देने का काम किया है, निश्चित ही आगरा के गणमान्य लोगों का सम्मान किया है। झूलेलाल जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में दो दिवसीय कोठी मीना विहार में उत्सव जो मना रहे हैं, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो सिंधी ट्रेडिशनल गाना जैसे अभी बज रहा है स्वाभिमानी सिंधी, तो सिंधी का जो कल्चर है, सिंधी के जो महान संत जो उन्होंने संस्कार हमको दिए हैं, वो सबका यहाँ पर गुणगान किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो साथ साथ जो ट्रेडिशनल सिंधी जो गानों के साथ साथ जो भोजन है, खान पीन है, और सबका यहाँ पर आनंद ले रहे हैं। यहाँ के जो आगरा के जो सिंधी समाज के बच्चे हैं, महिलाएँ हैं, पुरुष हैं, इस पूरे मेले का आयोजन कर रहे हैं, ले रहे हैं। यही हमारा मकसद है कि जो हमारी सिंधी संस्कृति है और सिंधी भाषा है उसको हम संजो के रखें, फिर दर्शा रहे हैं। और पिछली बार वैष्णो देवी की गुफा थी, इस बार हमने जो बाबा अमरनाथ की गुफा दी है, पिछली बार हमने झांकियां लगाई दी, एक झांकियां लगाई दी, वो भी इस बार भी झांकियां हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ पर्यावरण को संदेश देने के लिए झांकियां लगाई हैं, और यहाँ पे एक बड़ा संतों का भवन बनवाया है, ऐतिहासिक भवन बन रहा है। आप देखे होंगे सिंधु सभ्यता से जुड़े हुए हैं, हमारे सिंधी स्लोगन है, सिंधी भाषा को, सिंधी संतों को दर्शाया है, और निश्चित रूप से यहाँ पे खेल के साधन है, बच्चों के साधन है, अपने मनोरंजन के साधन है, सिंधी व्यंजन है। संतों के द्वारा आज स्वागत हुआ है, सिंधी संतों के द्वारा स्वागत हुआ है, और आपके माध्यम से मैं अनुरोध करूँगा सभी शहरवासियों को, धर्म प्रेमियों को, कि दो दिवसीय चलने वाले मेले में आप आएँ, परिवार सहित आएँ और अपने धर्म लाभ लें। सिंधियों के लिए यहाँ सब सिंधियों को जोड़ कर रखा जा रहा है, इस मेले की यही पहचान है कि सब सिंधी मिलकर विश्व सिंधी कुंभ का आयोजन करेंगे, यही हमारी प्रभु से शुभकामना है। इस बार इस मेले में अलग अलग प्रकार के स्टॉल लगाई गई हैं, बाहर से लोग आए हैं एवं शिल्प कला के कुछ यहाँ कलाकार आए हैं जो अपना जो अपनी कलाओं का प्रदर्शन करेंगे। मीना बाजार फील्ड में लगाया था, उसी कड़ी में आज जो है द्विदिवसीय मेले का उद्घाटन हमारे संतों ने किया है, जिनकी आपने कवरेज भी करी है, और बहुत ज़्यादा उत्साह है। आप देख रहे हैं यहाँ पब्लिक जो है, अभी आधा घंटा ही हुआ है मेला चालू हुए, और आप देख रहे हैं कि अंदर कितनी भव्यता है,
और मेला आयोजन समिति ने अपनी तरफ से पूरा मेहनत करी है। बाबा बर्फानी की गुफाएं, साईं लीलाशाह मंदिर, भगवान झूलेलाल जी का मंदिर और खाने पीने के स्टॉल और माता वैष्णो देवी का भवन और भी जो है जितने सब आइटम यहाँ सिंधियत के करे गए हैं। और मैं पूरे आगरा से आज भी आपके चैनल के द्वारा ये निवेदन करूँगा कि ऐसे भव्य मेले को देखने के लिए कल भी दोबारा आएँ और सबको चेटीचंड के अवसर पर आपके द्वारा बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मेले में बच्चों से लेकर बड़ों के लिए दर्जन भर से अधिक झूले थे। आयोलाल झूलेलाल की धूम के साथ देर रात तक सिंधी समाज के लोगों ने भक्ति भाव और परिवार संग मेले में उत्साह और उमंग के साथ भाग लिया। मेले में सबसे अधिक बाबा के बुलडोजर की झांकी ने लोगों को खूब आकर्षित किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ खड़े जेसीबी की झांकी संग विशेषकर युवा वर्ग ने खूब सेल्फी ली। वहीं सिंधी समाज के दो दर्जन से अधिक संतों की झांकियां भी आकर्षण का मुख्य केंद्र रही। कार्यक्रम में मुख्य संरक्षक गिरधारी लाल भक्त्यानी, हेमंत भोजवानी, सूर्य प्रकाश मदनानी, जितेंद्र लोकानी, सुनील करमचंदानी, श्याम भोजवानी, उमेश पैरवानी, प्रदीप बनवारी, नरेश लखवानी, जेपी धर्मानी, जेके मदनानी, नंदलाल छतानी मुख्य रूप से उपस्थित रहे।